हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिज हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा, उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्म इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं, कई परिवार प्रभावित हुए हैं, कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा, ये व्यवस्था उसे होने वाली है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो हमसे जमीन से जुड़े हो या समंदर से, अपने संबंधों का हम सुरक्षा, विकास और विश्वास की साझेदारी के साथ जोड़ रहे हैं। भारत का लगातार प्रयास है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हम अपने सदियों पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रिश्तों को और गहराई दें। दक्षिण एशिया में दुनिया की एक चौथाई जनसंख्या रहती है। हम सहयोग और सहभागिता से इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास और समृद्धि की अनगिनत संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। इस क्षेत्र के देशों के सभी नेताओं की इस विशाल जनसमूह के विकास और प्रगति के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक अहम जिम्मेदारी है। उसे निभाने के लिए दक्षिण एशिया के इन सभी क्षेत्र के सभी लोगों को, राजनेताओं को, शासकों को, बुद्धिजीवियों को भी मैं आह्वान करता हूं,
इस पूरे क्षेत्र में जितनी शांति होगी, जितना सौहार्द होगा, उतनी ही ये मानवता के काम आएगी, मानवता के हित में होगा।